करनाल आनंद विहार डबल मर्डर मामला, इसमें एक खास अपडेट है। मृतक व्यक्ति के बेटे को शक के आधार पर पुलिस ने हिरासत में लिया है। एसपी सिद्धार्थ जैन ने पोस्टमार्टम हाउस जाकर मृतक के परिजनों से बात की और मामले में ताजा हालात पूछे। गौरतलब है कि रविवार को आनंद विहार कॉलोनी में एक मकान से दो लोगों की हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें मृतक जोगेंद्र व उसके रिश्तेदार 30 वर्षीय मोनू की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कई आरोपी हो सकते हैं। एसपी सिद्धार्थ जैन ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है, जल्दी ही इसका खुलासा कर दिया जाएगा। करनाल से न्यूज वन हरियाणा के लिए सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। पोस्टमार्टम चल रहा है अभी और मैं भी अभी आया था, दोनों बॉडीज का पोस्टमार्टम चल रहा है और केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, FIR हो ही गई है और आगे जो भी डेवलपमेंट होता है वो कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। तो अभी तक क्या लगता है सर, ये कोई शराब पी करके मर्डर किए गए या और कोई सामने आई तथ्य? नहीं, अल्कोहल तो कंज्यूम करा ही था, पर किसने करा वो तो कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन से ही पता चल पाएगा, बट हाँ अल्कोहल तो कंज्यूम कराई। सर, CCTV कैमरा की फुटेज भी कल खंगाली जा रही थी, तो उससे कुछ अभी तक पता लग पाया है? अभी कुछ कंक्लूसिव कहना मुश्किल है, जैसे भी कुछ कंक्लूसिव एविडेंस या मैटर पता चलता है वो कम्युनिकेट। तो इसमें यही सामने आया कि चाकू ही मारे गए या कुछ और भी प्रयोग किया गया? स्टैब वुंड तो है ही, चाकू तो काफ़ी मारे गए हैं, पीठ पे भी काफ़ी। कितने काफ़ी स्टैब हैं, मतलब 40-50? हाँ, मतलब 30-40 तो मैंने खुद ने देखे। कोई वेपन सर मिला है अभी तक घर से? अभी तक तो कहना मुश्किल है, अभी तक तो नहीं मिला है। कितने को हो सकते हैं हथियारे, कितने लोगों की वारदात हो सकते हैं? ये तो मतलब एक या दो कंजेक्चर ही हो पाएगा, ये तो कह पाना कितने हो सकते हैं तो मुश्किल होगा। किसी पर शक जताया जा रहा है सर, परिवार के जो उनके बेटे उस समय मौके पर मौजूद थे उनके द्वारा कोई ऐसी बात कही गई हो? सस्पेक्ट करना नहीं काम है पुलिस का, पुलिस का काम तो इन्वेस्टिगेट।